5202, Shri Sonamni Pratap Narayan Rao. Mananiya Adhyaksha Mahodaya, question number 202. Yes, Honorable Minister. Ma'am, a statement is laid on the table of the House. Yes, your first supplementary. Mahodaya, cancer aaj bhi desh ki bhayavah bimariyon se ek hai. देश में असंसर्गजन्य बीमारी से होने वाले मृत्युओं में कैंसर का दूसरा नंबर है. हर साल लगभग 6 से 8 लाख लोगों के कैंसर से मौत होती है और हर साल देश में आज लगभग 30 लाख जो रुग्ण है इसमें 8 लाख रुग्णों का इजाफा हो रहा है. इसमें सबसे ज्यादा दुखद बात महोदय यह है कि इसमें 60% रुग्ण ये 60 साल से कम उम्र के हैं. महोदय, कैंसर के रुग्णों को आने वाले खर्चे में सबसे अधिकतम खर्चा दवाइयों के लिए करना पड़ता है. इस समय कैंसर की दवाइयों पर एक्साइज ड्यूटी, वैट और ऑक्टाइज जैसे कर देने पड़ते हैं. महोदय, इन दवाइयों की कीमत तय करते हुए दवाई निर्माण करने वाली कंपनियां निर्माण मूल्य से 500 से 800% तक मार्जिन रखकर कीमतें तय करती है ऐसी जानकारी है और इसलिए इन दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही है. महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूं कि क्या कैंसर की दवाइयों को सख्ती से जल्द औषध मूल्य नियंत्रण आदेश लागू करने के लिए सरकार कदम उठाएंगी. महोदय, सरकार ने 2000 साल में ही राष्ट्रीय औषध नीति बनाकर कैंसर की दवाइयों को सभी प्रकार के करों से यानी केंद्रीय कर, उत्पाद शुल्क, आपात शुल्क मुक्ति देने का प्रस्ताव रखने के बावजूद आज तक इस नीति पर कार्यवाही न होने का कारण क्या है? क्या आम आदमियों को इस विषय में राहत देने की इच्छा शक्ति अगर सरकार रखता है तो निश्चित समय सीमा माननीय मंत्री महोदय तुरंत घोषित करेंगे. धन्यवाद. यह मेरा प्रश्न है. Ma'am, the fact of the matter is the cancer drugs is at a higher side in the market and the government is very keen to how to bring down these prices so that the cancer patients can get they can get this at a reasonable price, affordable price. These anti-cancer drugs are not covered under DPCO. Price control ke tahat ye abhi tak nahi hua hai. Abhi 2003 mein Bharat Sarkar Swasthya Vibhag ne ek national list essential drugs ka jo list nikala hai usme 354 मेडिसिन को इंक्लूड किया गया है. उसमें 23 एंटी कैंसर ड्रग्स है तो उसको कैसे इसके अंदर ला सकते हैं? हम एनपीपीए को डायरेक्ट किए हैं कि हाउ टू ब्रिंग दिस एंटी कैंसर ड्रग्स अंडर द प्राइस कंट्रोल रीजन सो दैट दिस ड्रग्स कैन बी अवेलेबल टू द पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स एट ए रीजनेबल प्राइस. एंड वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड द एनपीपीए टू लुक इन टू इट एंड bring it if possible immediately within the ambit of DPCO.